यहाँ होती है हुक्के पर सियासी चर्चा। गांव के गलियारों में बनती है रणनीति। यहाँ चौपा नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से हम आपको बताएंगे प्रदेश में सियासी हलचल किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से राजनीतिक दल एक दूसरे को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरीके की प्लानिंग चल रही है। क्योंकि ये मत भूलिए कि बहुत जल्द प्रदेश में एक विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के तैयारियां चरम पर हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो वो किसी भी लिहाज से इसकी तैयारी से चूकना नहीं चाहता है। उसकी तैयारी से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि वहां के लोगों का हाल क्या है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। सबसे पहले बात करेंगे भारत बंद की और उस पर आ रहे सियासी बयानातों की। जी हां, भारत बंद है, अन्नदाता सड़कों पर है, जगह जगह जाम है, क्योंकि देश का किसान हुंकार भर रहा है। तीन बिलों के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया है, विपक्ष ने सरकार को घेरा है, तो सरकार की तरफ से भी उन सवालों का जवाब दिया गया है। हमारी राजनीति को रोटी से तौलने आए हैं, स्वार्थ को सियासत से तौलने, मौत को मुकद्दर से तौलने, जौम को जिल्लत से तौलने। खाली पेट खाली हाथ झंडे उठाए, हौसले की थाल पर हिमाकतों की थाप। बताइए हुजूर, कब सुनेंगे आप? सुन सुन कर आप भी तो उबते होंगे। सदमा सा लगता होगा कि सियासत के नारों के चमकते हुए देश में कहां से चले आते हैं ये लोग, बची कुची सांसों की गठरी उठाए। कितना खराब लगता होगा आपको कि सड़कें घेर लेते हैं, भीड़ लगा देते हैं, चमकते हुए देश में बदहाली के गीत गाते हैं, चमकते हुए देश में अपनी बेबसी के जख्म दिखाते हैं। बुरा तो लगता होगा आपको, बुरा तो तब भी लगता होगा आपको जब होती हो मांग पर सियासत, जब होती हो मौका परस्त राजनीति। किसान की रोजी रोटी छीनी जा रही है, खेत और खलिहान पर मोदी सरकार ने हमला बोला है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मोदी जी कसमें तो किसानों की खाते हैं, परंतु दोस्ती अपने पूंजीपति मित्रों से निभाते हैं। हरित क्रांति पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। आइए इकट्ठे होकर, संगठित होकर किसान और खेत मजदूर के साथ खड़े हो जाइए। 62 करोड़ देश के अन्नदाताओं और भाग्य विधाताओं की जिंदगी पर हमला बोला है। कांग्रेस और किसान इकट्ठे होकर ये संघर्ष करेंगे, हम ये कभी मंजूर नहीं करेंगे। सुरजेवाला आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किसान हितैषी है, तो वहीं मूलचंद शर्मा कह रहे हैं कि इससे अच्छा अध्यादेश हो ही नहीं सकता। महज कुछ लोगों की टोली ही कह रही है कि अध्यादेश बेकार है। इससे बढ़िया अध्यादेश कभी आ नहीं सकता, और किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशहाली का अध्यादेश है। अगर कोई पढ़ते लिखे हुए कागज को ना समझ पा रहे, उनका समझाना क्या है? जिन लोगों को पता है कि इससे बढ़िया अध्यादेश हो नहीं सकता, बार बार देश और दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं, दुनिया के चैनल टीवी
मीडिया सब कह रहा है और लोग कह रहे हैं, इससे बढ़िया अध्यादेश नहीं। और कुछ लोगों की टोली है वो एक ही कह रही है अध्यादेश बेकार है, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। किसान परेशान है, सड़कों पर है, तो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि ये भ्रम है, किसान मंडी में जाए और संभाले, पूरे बिल को पढ़े, जानकारी इकट्ठा करे, वहाँ जाके मंडियों में जो वहाँ खरीद करती है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट उससे बातचीत कर ले, में फिर किस तरह से ढुलाई कैसे होगी बारीकियों में जान, क्योंकि खरीद का काम सारा का सारा राज्य सरकार करती है, केंद्र तो अलाउ करती है कि भी आप खरीद कर लो। इन किसानों का गुस्सा देख रहे हैं आप, सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, खेत छोड़कर जंग कर रहे हैं। हालात देखकर बस यही कहने का दिल करता है कि किसानों तुम फिर से लौट जाओ, तुम्हारे उतरे हुए चेहरे आंकड़े चमकाते मुल्क के मालिकों का मजा किरकिरा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मौजूदा दौर में अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी की चर्चा है तो इसी कृषि बिल की चर्चा है और इन्हीं किसानों के गुस्से की चर्चा है, और सियासी गलियारे में भी लगातार हम इससे आपको रूबरू करा रहे हैं, तभी ये प्रदेश का नंबर वन पॉलिटिकल शो है। इधर प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर हमला बोला, साथ ही कहा कि कांग्रेस ही किसानों को भड़काने का काम कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया ये बयान बेहद अहमियत रखता है, सुनिए। किसान यूनियन जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है। किसान परेशान हैं, सड़कों पर हैं, सरकार के लाए 3 बिलों का विरोध कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसान एकता, किसान एकता, और इन सब परेशानियों और तनावपूर्ण माहौल के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि प्रदेश में मंडियां यूं ही चलेंगी और एमएसपी ऐसे ही रहेगा। मंडी यूं ही चलेगी, एमएसपी यूं ही चलेगा, मंडियां यूं ही चलेंगी, यूं ही खरीद होगी। आप भी इत्थे हो, मैं भी इत्थे, आप भी जवान आदमी हो, मेरे से लंबी उम्र जियोगे, आप देखना मंडियां ऐसे ही चलेंगी, एमएसपी ऐसे ही रहेगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि ये जो कानून है ये डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले थोड़े बहुत किसानों जैसे पंचकुला, मोरनी और आसपास के किसान हैं, और जो फल और सब्जियां उगाते हैं उनके लिए बनाया गया है। हमारी सरकार मंडियों को बढ़ाने का काम कर रही है। पिंजौर में हम बहुत बड़ी सेब मंडी बना रहे हैं, तो गुरुग्राम में फूल मंडी को तैयार किया जा रहा है। जो कानून है ये तो जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले थोड़े बहुत पंचकुला के आसपास के किसान हैं, कोई मोरनी के हैं, अलग अलग फल सब्जियां उगा रहे हैं, उनके लिए कानून बनाए हैं कि उनको दिक्कत ना आए। पहले भी वो करते थे डायरेक्ट मार्केटिंग, यहाँ कितने सारे किसान बाजार खुले हुए हैं, लेकिन कोई नियम कानून नहीं थे, उनके लिए बनाए। मंडी ऐसे ही चलेगी, मंडियाँ तो अब बढ़ाते जा रहे हैं साहब, यहाँ एप्पल मार्केट बना रहे हैं इतनी बड़ी जो है पिंजौर में, सारी जगह हम लोग फूल मार्केट बना रहे हैं हम गुड़गांव में। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसान कल्याण की सभी योजनाएं ऐसे ही चलेंगी, सरकार की किसानों के लिए योजनाएं ऐसे ही चलेंगी, केवल एक चीज नहीं चलेगी और वो है कांग्रेस का झूठ। किसान कल्याण की सब योजनाएं ऐसी चलेंगी, केवल एक चीज नहीं चलेगी, कांग्रेस की झूठ। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में और थोड़ा सा हरियाणा में कांग्रेसियों को ज्यादा दिक्कत है। कांग्रेस अपने पहले के घोषणा पत्र में कुछ और लिखती रही है और अब किसानों को भ्रमित कर रही है। यहाँ पंजाब में, थोड़ा सा अपने हरियाणा में भी कुछ लोगों ने भ्रम, खास करके कांग्रेसियों को नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वो विचार बदलू लोग हैं, अपने घोषणा पत्र में कुछ लिखते हैं, हुड्डा कमेटी में कुछ लिखते हैं, माकन जी का भाषण घोषणा पत्र के समय क्या होता है, कपिल सिब्बल का 2008 का भाषण क्या होता है, और अब वो विचार बदल के किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। प्रदेश की राजनीति के तराजू में इस वक्त एक पलड़े में किसान है तो दूसरे पलड़े में सत्ता पक्ष की सियासत। अब किस पलड़े का भार ज्यादा है इसके लिए सबको बड़ौदा उपचुनाव तक का इंतजार करना होगा। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शोरान की रिपोर्ट।
इधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किसानों के मुद्दे को लेकर और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आइए समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो है किसानों के इस प्रदर्शन को देख रहे हैं। सर, किसानों ने भारत बंद किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस जो है लगातार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। किसानों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम किसानों का साथ दे रहे हैं कि उनकी मांग वाजिब है, क्योंकि जो ये बिल आए हैं, तीन बिल आए हैं, इसमें किसान की प्रोटेक्शन नहीं है। इसी वास्ते हम मांग करें चौथा बिल लेके आओ, जिसमें जो मंडी से बाहर MSP मंडी में देंगे, ये मंडी से बाहर जो खरीद फरीद होगी उसके ऊपर कोई MSP लागू नहीं होगी, तो किसान का शोषण होगा, तो उसको बचाना है तो उससे बाहर भी MSP लागू की जाए, ये मेरा कहना। सर, MSP को लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाल ये निशान उठ रहे हैं। BJP ये कह रही है लगातार कि MSP जो है पिछले 55 सालों में जो है कानून के रूप में कांग्रेस क्यों नहीं लेकर आई। आप लगातार कह रहे हैं कि MSP को जो है पूरी तरीके से लिखित में होना चाहिए, तो इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो बिल लेकर आई है उस पर कांग्रेस को सवाल ये निशान नहीं है। नहीं नहीं, MSP 55 साल से ले ही रहे ना, तो लेकिन बाहर जो ये बनाया 2007 में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का बनाया मैंने, जो रूल 6 है इसका यही है कि मंडी से बाहर कोई सीधा अगर खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, तो MSP लागू होगी, उससे कम नहीं खरीद सकते जो खरीदेगा, और उसमें भी प्रावधान किया 15% सिक्योरिटी रखेंगे जब पूरा होगा, ताकि किसान के साथ कोई धोखा ना हो, यही मांग कर रहे हैं। हमें बात तो MSP की नहीं, MSP के भी दो बन गए ना, दो किस्म की मंडी बना दी उन्होंने, एक APMC की मंडी के अंदर MSP लागू है, बाहर लागू नहीं है, ये गलत है, इसमें ये किसान विरोधी है। तो ये हमारी मांग है चौथा बिल लेके आए जिसमें ये प्रावधान हो कि कहीं भी खरीद हो MSP से कम ना हो, और जो कम से कम खरीदेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, सजा दी जाए उसको, और जहाँ पे MSP नहीं है जिसपे उस पर जो प्रिवेलिंग रेट है उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर किसान बिल की बात देखें तो BJP के भी कुछ जो नेता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों एक बैठक भी होती है, तमाम जो पूर्व विधायक थे वो भी उस बैठक में शामिल होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखें, क्या BJP के अंदर खाने भी जो है कहीं ना कहीं दो घड़े जो है देखने को मिल रहे हैं? जो भी किसान की बात सोचता है किसी भी दल में हो, वो इस बात को समझता है अगर ये चौथा बिल नहीं लेके आते हैं तो किसान का इसमें नुकसान होगा। सर, बड़ौदा उपचुनाव की हम बात करें, हालांकि अभी चुनाव की जो तिथि है वो घोषित नहीं हुई है, किस तरीके की कांग्रेस की तैयारी है, क्योंकि BJP लगातार जो है बड़ौदा के संबंध में बात करें तो विकास की जो घोषणाएं हैं वो लगातार वहां पर की जा रही है सरकार की तरफ से। घोषणाओं से क्या होता है, 6 साल में तो पता, उन्होंने ये नहीं पता बड़ौदा यहाँ नक्शे में भी है कि नहीं है, विकास तो हमारे समय में हुआ और इसी वास्ते कांग्रेस पार्टी जीतेगी वहां से। एक अंतिम प्रश्न सर, दुष्यंत चौटाला के लेकर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए इस्तीफा मांग रही है ताकि कांग्रेस जो है एक बार फिर से सत्ता में आ सके। सत्ता ना सत्ता का सवाल क्या है, असूलों का है, आज ये किसान हितेशी बात है, अगर वो समझते हैं भाई किसान के हित में नहीं है तो पद से बड़ा किसान मानना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। इन बातों में जो सबसे अहम बात ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल तो किसानों के साथ देने का है, लेकिन राजनीति में जब भी किसी को भी मौका मिला है, चाहे खुद को आगे बढ़ाने का या पार्टी को आगे लेकर जाने का, कोई भी इस मौके से चूका नहीं है। और ये वही कांग्रेस है जिसने, जब परिणाम निकलकर सामने आए थे और किसी को बहुमत नहीं मिला था हरियाणा विधानसभा चुनाव में, तब ये कहा था उन्होंने JJP को कि हमारे साथ आइए, मिलकर सरकार बनाते हैं। तो मौका परस्ती तो हर कोई करता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कह रहे हैं कि हम किसानों को बरगला नहीं रहे, उनको बहका नहीं रहे, उनका साथ दे रहे हैं। इधर हरियाणा में BJP के कई पूर्व विधायक और कुछ ऐसे भी नेता जो वरिष्ठ नेता हैं, दूसरे पार्टी में थे, विधायक बने, जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने गए, लेकिन उन्होंने पिछले इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, यहाँ आकर के चाहत थी कि टिकट मिले और वो जीत कर सामने आए, लेकिन कईयों को टिकट मिला वो हार गए, कुछ को नहीं मिला टिकट, और ऐसे में वो वरिष्ठ नेता के तौर पर कहे जाते हैं। इन नाराज नेताओं ने गुरुवार को चंडीगढ़ में एक
गुपचुप मीटिंग की थी और अपने भविष्य पर चर्चा की थी, और साथ ही साथ किसानों के साथ जो कृषि बिल लेकर के आया जा रहा है उनका ये कहना, ये थोपा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। आरोप उन्होंने लगाया कि हमारी सरकार में हमारे ही काम नहीं हो रहे हैं। वहीं कृषि बिल को लेकर भी उन्होंने कई सवाल सरकार पर ही दागे हैं। जी, तो इन तस्वीरों से भी रूबरू होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से भारत बंद की तस्वीर उभर कर सामने आई। और सरकार अगर ये कहती है कि कुछ ही ऐसे लोग हैं, छिटपुट लोग हैं जो सड़कों पर हैं और ये किसान भी नहीं हैं, ये तो सरकार विपक्ष की तरफ से बहकाए हुए लोग हैं, लेकिन उनकी तादाद को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसान ही हैं जो सड़कों पर है। इधर जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे उससे हम आपको रूबरू ज़रूर कराएंगे, वो दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से जो नाराज पार्टी के वर्कर हैं, वरिष्ठ वर्कर भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी पार्टी पर किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, उस रिपोर्ट से हम थोड़ी देर में आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले हम एक और रिपोर्ट से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल 6 महीने से खाली पड़ी बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख जल्द आने वाली है। 29 सितंबर को चुनाव आयोग बैठक करेगा और मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसी दिन बड़ौदा में और देश में अलग अलग जहां पर भी उपचुनाव होने वाले हैं उसकी तारीख घोषित कर दी जाएगी। जल्द आने वाली है उपचुनाव की तारीख। बड़ौदा वासियों, वोट डालने का वक्त आ गया। जी हां, बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। अब बड़ौदा वासियों को विधायक मिलने वाला है। अब वोट मांगने आपके द्वार नेता आने वाले हैं। बेसब्री से उपचुनाव का इंतजार कर रहे बड़ौदा को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि उपचुनावों की तारीखों के लिए 29 सितंबर को चुनाव आयोग की बैठक होगी और उसी बैठक के बाद उपचुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूजडे को ही हो जाएगी शाम तक। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूजडे को ही हो जाएगी शाम तक। जाहिर है जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो बड़ौदा विधानसभा के भी उपचुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। और बड़ौदा में उपचुनाव इसलिए होगा क्योंकि अक्टूबर में कांग्रेस के उस वक्त के मौजूदा विधायक श्री कृष्ण हुड्डा की मृत्यु हो गई थी, तभी से बड़ौदा की ये सीट खाली है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पिछले 6 महीने में प्रदेश की राजनीति जोरों पर है। सियासत की भट्टी इतनी गर्म है कि लावा बाहर आने को तैयार है। आए दिन बयानबाजी हो रही है, वादे हो रहे हैं, तो कहीं प्रत्याशी कौन होगा इस पर चर्चाएं हो रही हैं। खैर, क्या होगा, कब होगा, इसका इंतजार पिछले 6 महीनों से हो रहा है जो अब खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बड़ौदा उपचुनाव से पहले सभी पार्टियां बड़ौदा की जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ौदा को किस तरीके से विकास के रास्ते पर और लेकर आया जाए, किस तरीके से बड़ौदा को एक ऐसा ऐसी जगह के तौर पर देखा जाए, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र उसको बनाया जाए जहां पर तमाम विकास के कार्य भी हों और जब लोग आए तो ये कहें कि हाँ, ये हरियाणा का बड़ौदा है जिसमें तमाम विकास के कार्य कराए गए। तैयारी कुछ ऐसी ही है। बड़ौदा में उपचुनाव का सियासी बिगुल बस बचने वाला है और वादों और दावों की फहरिस्त भी तमाम पार्टियों ने तैयार कर ली है और अब बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान का आगाज भी कर दिया है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बनाए गए चुनाव प्रभारी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ौदा में कई परियोजनाओं को सरकार ने हरी झंडी दिखाई है जो पहले कभी नहीं हुआ। बड़ौदा के अंदर, और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ,
इतने प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं जो पहले 50 साल में बड़ौदा में कभी नहीं हुए। कृषि मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बड़ौदा में जल भराव और पीने के पानी की समस्या का समाधान करते हुए सरकार ने 8 नए केनाल वर्क शुरू किए, जिससे पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100,37,00,000 रुपए के मंजूर कर दिए, काम मंजूर करके टेक्निकल सेंक्शन दे के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे के टेंडर कर चुके हैं। सिर्फ और पार्टियां पत्थर लगाने में रुचि रखती है, हमारे यहाँ मौके पर काम शुरू हो गया है। इसमें 8 नए नए कैनाल बेस्ड वाटरवर्क्स हैं, इस इलाके की पीने के पानी की सारी समस्या वो दूर हो जाएगी। जेपी दलाल आगे कहते हैं कि बड़ौदा में कभी बीजेपी का विधायक नहीं रहा, लेकिन इस बार जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताने का मन बना लिया है। बड़ौदा को मैंडेट ऐसा आता रहा कि भारतीय जनता पार्टी का कभी आज तक विधायक नहीं आया है, पहली बार बड़ौदा में भाजपा का विधायक चुनेगा। साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि बड़ौदा में चावल मिल बनेगा, हैफेड अत्याधुनिक मिल को तैयार करेगा। 12 करोड़ की लागत से बड़ौदा में हैफेड की राइस मिल को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है राइस मिल की, हैफेड के द्वारा 12 करोड़ रुपए की लागत से एक राइस मिल वहां पर लग जाएगा, जिससे किसानों को अपने धान को इधर उधर ले जाने के बजाय वहीं उनका प्रोसेस हो जाएगा। प्रदेश में हो रही किसानों पर राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसान के उत्थान के लिए कदम इन 3 अध्यादेशों के माध्यम से उठाया है, तो कांग्रेस और विपक्ष ने इसका विरोध किया। वो नहीं चाहते कि किसान आगे बढ़े। जिस तरह से मोदी जी ने फैसले लिए, तो एक फैसला उसका अभी प्रक्रिया जारी है किसानों की आमदनी दुगनी करने का। मोदी जी ने अब इसमें कदम बढ़ाने शुरू किए, जो ही मोदी जी ने कदम बढ़ाया, मंडियों की वैकल्पिक व्यवस्था दी, 3 ये अध्यादेश लेके आए जो अब बिल का स्वरूप बन चुके हैं, ये 100% किसान हितैषी हैं और हरियाणा का किसान जो है इसका समर्थन करता है। चुनाव से पहले अक्सर वादों और दावों की फहरिस्त तैयार हो जाती है, हमेशा बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, कुछ सपने साकार भी होते हैं, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। बड़ौदा में उपचुनाव है, ऐसे में जनता भी आस लगाए बैठी है कि उनकी मांगों को पूरा आखिर कौन करेगा, और जो करेगा वही बड़ौदा का किंग बनेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। अब आपको उस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं जिसका इंतजार आपको है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है, गुपचुप बैठक भी हुई है, खुद को लेकर भी नाराजगी है कि कहीं हाशिए पर तो नहीं चले गए हैं। दूसरा जो नाराजगी दूसरी है वो ये है कि कृषि बिल को लेकर के ना उनकी सुनी जा रही, ना किसानों की सुनी जा रही है। हमारी सरकार हमारा ही काम नहीं, हम जब किसी के पास काम के लिए जाते हैं और वो कोई पूछे ही ना कि सरकार के अंदर रहकर भी हमारी पूछ नहीं है। कृषि बिल किसानों के खिलाफ, ये तो डेमोक्रेसी है, कितनी क्षेत्रीय दल बने, कोई अगर चाहेगा तो कर लेगा, उसमें कोई बैन थोड़ी है किसी का। हरियाणा में बनेगा एक और दल। तीनों बिल जो आए हैं उनके उसमें एमएसपी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ये आशंकित है, हम खुद भी चिंतित हैं। ये आवाज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। कल जो विधायक थे आज पूर्व हुए, तो अपनी ही सरकार पर आरोप लगा दिए कि सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, जनता के काम नहीं हो रहे, हम आपकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। कि सरकार के अंदर रहकर भी हमारी पूछ नहीं है, इसलिए हमने अपने लिए तो सब कुछ कर लेना उचित नहीं है, क्योंकि जनता का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता के कार्य हों, लोग हमें भी ये बात कहें कि ये कार्य उसने करवाया है। ये दर्द खलता है साहब, जब कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते, हमारे स्वाभिमान की बात है। गठबंधन सरकार के काम से संतुष्ट हैं तो क्या हुआ, पार्टी में रहेंगे, पार्टी में रहकर अपनी बात कहेंगे। अपनी पार्टी के अंदर रहकर ये बात जरूर कहेंगे कि हमारी इन मांगों पे जनता की ये बातें हैं सारी, जनता का कार्य है,
जनता की बात सुनी जाए और इन मांगों पे गौर किया जाए। बात जब नाराजगी की होती है तो दिल में कसक उठती है, और अब कसक को आग और साथ दोनों मिल जाएं तो नेता इशारा भी करते हैं और साफ गोई से बात भी करते हैं। ये तो डेमोक्रेसी है, कितनी क्षेत्रीय दल बने। बंसीलाल जी ने क्षेत्रीय दल बनाया, जेपी ने बनाया, कांडा ने बनाया, भजन लाल ने बनाया, ये तो चलता रहता, तो प्रोसेस है, तो कोई अगर चाहेगा तो कर लेगा, उसमें कोई बैन थोड़ी है किसी का। नाराजगी का आलम तो ये है कि जिस पार्टी के नेता कृषि बिलों को किसानों के हित में बता रहे हैं, उसी पार्टी के नाराज पूर्व विधायक उन्हीं बिलों को लेकर पार्टी में रहते हुए कह रहे हैं कि हम भी किसान हैं और आपके बिल किसानों के हित में तो नहीं है। नहीं, ये ठान भी लिया है, ठान भी रखा है कि किसान के साथ अनदेखी ना हो। किसान अन्नदाता है, किसान के साथ किसी किस्म की अनदेखी ना हो। और किसान आज इन अध्यादेशों के बाद जो बिल आया उसको लेकर आशंकित है और आंदोलनरत है, और इस किसान आंदोलन के अंदर हम किसान के लिए, किसान की सहायता करने के लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस चर्चा के ऊपर हम इकट्ठा हुए थे। और हमारा ये प्रयास रहेगा भविष्य में भी, अब भी, कि किसान की अनदेखी के साथ किसान के साथ खड़े होकर उसकी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हम काम करेंगे। ये जो वर्ग है इसके बारे में अनदेखी नहीं करनी चाहिए, इसकी बात को सुनना चाहिए। किसानों के बारे में सोचना हमारा सबका कर्तव्य भी बनता है। किसान को मरना नहीं चाहिए, किसान की मदद करनी चाहिए। राजनीति में नेता तब तक नेता रहता है जब तक रसूख होता है। रसूख खत्म होता है तो हाशिए पर जाने लगता है और फिर दिल में मलाल रहता है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का ये कुंबा किसका घर बनाएगा और किसका उजाड़ेगा, ये तो सियासी हवा का रुख ही तय करेगा। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर, रादौर से कुलदीप सैनी और गोला चीका से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। आप सोमवार के दिन आपसे मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।